आज वास्तुशास्त्र में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज हम बात हैं चूल्हे के बारे में दोस्तों कंसल्टेंट्स ने पता नहीं चूल्हे के बारे में क्या क्या फैला दिया है कि अगर सिंगल चूल्हा होगा तो आप सारी उम्र सिंगल ही रह जाओगे अगर डबल वाला चूल्हा ले लिया तो आप दो कपल ही रह जाओगे और आगे आपकी फैमिली में ग्रोथ नहीं होगी तीसरा आता है तीन बर्नर वाला अगर चूल्हा ले लिया तीन तो वैसे ही खराब है तीन और चार नंबर तो लेने नहीं चाहिए दोस्तों फिर ले तो ले क्या कोई वास्तु वाला कह रहा है सिंगल बर्नर मत रखो कोई कह रहा है डबल मत रखो कोई कह रहा है तीन वाला मत रखो कोई कह रहा है चार वाला मत रखो तो कितने चूल्हे लगाए हैं लगाएं, लगाएं कि ना लगाएं अपने घर में चूल्हा आजकल तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है वास्तु कंसल्टेंट ने तो दोस्तों ध्यान करेंगे जब पुराने टाइम में चूल्हे लगाते थे चूल्हे होते थे घरों में तो एक चूल्हे पे तो खाना बन रहा है पूरी क्योंकि बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी तो खाना भी देर तक बनता था ज़्यादा बनता था तो एक चूल्हे पे तो खाना ही बन रहा होता था एक पे कोई चाय बन रही है किसी की एक पे कुछ और काम हो रहा है पानी गर्म हो रहा है पिछले टाइम पहले टाइम में तो गीज़र भी नहीं हुआ करते थे तो एक पे तो पानी उबलता रहता था नहाने के लिए लोगों का तो दोस्तों पहले भी तो फैमिलियों में ग्रोथ होती थी अभी अचानक से क्या हो गया है जो चूल्हे इतने नुकसानदायक हो गए हैं और कौन से वास्तु के ग्रंथ में लिखा है कि चूल्हे इतने नुकसानदायक हैं कितने चूल्हे होने चाहिए चूल्हों पे तो कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है ये जरूर बताया गया है वास्तु शास्त्र में कि चूल्हा होना कहाँ चाहिए और उस टाइम में जब वास्तु शास्त्र लिखा गया दोस्तों उस टाइम तो बर्नर वाला सिस्टम ही नहीं था उस टाइम तो मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे अब अगर वास्तु वाले इस चीज़ को अप्लाई कर रहे तो मिट्टी वाले चूल्हों पर अप्लाई करो ना बर्नर पर थोड़ा ना अप्लाई होता है तो दोस्तों ध्यान करेंगे आपके भी घर में आप कितने भी चूल्हे लगा सकते हैं कितने भी बर्नर का चूल्हा ले सकते हैं ये कभी किसी भी वास्तु के वेद में नहीं लिखा कि कितने बर्नर का चूल्हा होना चाहिए कितने बर्नर का चूल्हा आपको फ़ायदा देगा कितने बर्नर का चूल्हा आपको नुकसान देना शुरू कर देगा ऐसा किसी वेद में कहीं पे नहीं लिखा दोस्तों वास्तुशास्त्र में इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है और सेकंड बात आती है दोस्तों चूल्हे के कलर की के नीचे कलर आपको ये नहीं लगाना लाल मत लेना नीला मत लेना काला मत लेना चूल्हे के कलर की बात करें दोस्तों ये चूल्हे के ऊपर जो होता है ये ग्लास होता है दोस्तों ये ऑलरेडी रिफ्लेक्ट ही करता है सारी चीज़ों को ये एब्जॉर्ब नहीं करता स्लेब का कलर मायने रखता है स्लेब का कलर इम्पोर्टेंस रखता है दोस्तों वास्तुशास्त्र में क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है ये तो पहले ही ग्लास है ये थोड़ा ना एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को ये नहीं नुकसान देता तो चूल्हे का कलर और चूल्हा आप कैसा भी ले सकते हैं दोस्तों वास्तु शास्त्र में इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है वास्तु के वेदों में चूल्हे के बारे में और ये ग्लास है दोस्तों ये हीट को रिफ्लेक्ट ही करता है चूल्हा बनाया इसी तरीके से जाता है कि वो हीट को रिफ्लेक्ट करे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो नुकसान देगा वो चूल्हा खुद खराब हो जाएगा ग्लास टूट जाएगा और ये बहुत मजबूत ग्लास होता है दोस्तों हीट से खराब होने वाली चीज़ नहीं है तो अगर आपके भी मन में कोई वास्तु वाले ने बहम डाल दिया है कि आपका चूल्हा खराब है इसको बदलो थ्री बर्नर नहीं लेना टू बर्नर नहीं लेना सिंगल बर्नर नहीं रखना तो दोस्तों वो उन बातों में ना फंसे उन झांसों में ना आए जैसा मर्जी आए वैसा चूल्हा आप अपने घर में लगाएं आपको ध्यान करना है सिर्फ एक बात का कि वो चूल्हा एज़ पर वास्तु हो एज पर वास्तु कहाँ होना चाहिए आपका ईस्ट वाली वॉल पे चूल्हा आप लगाएंगे जब भी आप दोस्तों अपने घर में चूल्हा लगा रहे हैं एक चीज का ख्याल करना है आपको पूर्व दिशा की तरफ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके कुकिंग करें दोस्तों चूल्हे के लिए सिर्फ इतनी सी गाइडलाइन है और साथ ही साथ दोस्तों स्लैब का कलर आपको लाइट ही रखना है ये वास्तुशास्त्र में जरूर बताया गया है क्योंकि काले रंग को दोस्तों वास्तु में नेगेटिव माना जाता है इस वजह से किचन में कभी भी काले रंग का इस्तेमाल नहीं करते अग्नि दिशा है अग्नि कोण है साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे चूल्हा आप किचन अपनी बना सकते हैं उसमें चूल्हा आपका ईस्ट वाली वॉल पर आएगा दोस्तों तो आज के बाद दोस्तों इस वहम में ना फंसे कि चूल्हा कितने बर्नर का हो कौन से कलर का हो दोस्तों आराम से लगाएं धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें शेयर करें और और भी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें